लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल के हजारों छात्रों, शिक्षकों और कार्यकर्ताओं ने सीएमएस संस्थापक स्वर्गीय जगदीश गांधी की स्मृति में विशाल स्मृति मार्च निकाला। साथ ही शिक्षा जगत, सामाजिक उत्थान और भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास में उनके योगदान को याद किया गया। सीएमएस छात्रों का ये विशाल स्मृति मार्च गोमती नगर स्थित 1090 चौराहे से लोहिया पार्क तक निकला गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झंडा दिखाकर मार्च को रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर जगदीश गांधी का जीवन दर्शन भावी पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने जीवन को खपा दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर जगदीश गांधी के अतुलनीय योगदान के लिए शिक्षा जगत सदैव उनका आभारी रहेगा। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज सिटी मोंटेसरी स्कूल के सभी बच्चों ने, प्रधानाचार्य जी ने और उनकी सुपुत्री गीता जी ने एक शांति मार्च का आयोजन किया है, जिसमें सिटी मोंटेसरी स्कूल के बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से पूज्य डॉक्टर जगदीश गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। मैं सीएमएस परिवार को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि पूज्य जगदीश गांधी जी ने जो वृक्ष रोपा था उसको और मजबूत करने में, संस्था को आगे बढ़ाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ स्वर्गीय जगदीश गांधी जी के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहे। हमारे स्कूल के बच्चे, सिटी मोंटेसरी स्कूल के बच्चे चाहते थे कि वो भी अपनी श्रद्धांजलि डॉक्टर जगदीश गांधी जी को, जो उनके स्कूल के संस्थापक प्रबंधक थे, उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते थे। बच्चों से वो बहुत ही एक क्लोज जुड़ाव रखते थे। हर साल हर एक सेक्शन के बच्चों को, प्री प्राइमरी के बच्चों को अलग, प्राइमरी के बच्चों को अलग, जूनियर सेक्शंस के बच्चों को अलग और सीनियर सेक्शंस के बच्चों को अलग, हर एक कैंपस में अलग जा कर के साल में 3-4 बार जा कर के बच्चों को स्वयं संबोधित करते थे। तो बच्चों को उनके जो वो जो बोलते थे वो बहुत अच्छे से याद रहता है और उससे वो बहुत प्रेरित हुए, इसलिए वो पापा को बहुत प्यार करते हैं।